इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट एंड में बेसिकली क्या पास होना चाहिए सर, क्या पास होना चाहिए जी? एक तो इसमें ये ग्रोएबल ग्रोएबल अरे का ऑब्जेक्ट पास होना चाहिए बाय रेफरेंस या बाय वैल्यू बाय, क्योंकि बेसिकली अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखें तो इस ऑब्जेक्ट की मैं तस्वीर बनाऊं तो वो तस्वीर कुछ यूं बने कि ये ए बना हुआ जो कि यहां बना, ओके। अगर इस ए को देखो तो इस ए में बेसिकली दो चार बाइट के हैं, एक ये पॉइंटर है और एक ये साइड, ठीक है। ये जो वीज वाला पॉइंटर है ये बेसिकली पॉइंट कर रहा होगा एक कंटिन्यूस रे का, तो फॉर एग्जांपल इसमें दो वैल्यूज पड़ी हैं तो ये बेसिकली इसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, यहां पर लेट से 10 पड़ा हुआ है, यहां पर 20 पड़ा हुआ है। और इंसर्ट एट एंड की रिस्पांसिबिलिटी ये है कि एक वी वैल्यू इसके अंदर ऐड, दैट्स इट। अब वी वैल्यू ऐड करने के लिए बेसिकली इसका काम क्या है, एक तो इसको 3 करना है ये बस ना, और ये जो पॉइंटर है जो पहले यहां पॉइंट कर रहा था, अब बेसिकली हम ये चाहते हैं कि ये तीन साइज के अरे बने, इसको यहां पे 10 पड़ा हो, यहां 20 पड़ा हो, और 30 इंसर्ट किया तो यहां पर 30 हो जाएगा, इसको हमने यहां ये बस नहीं, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 3 ये बस नहीं। अगर हमने ये बाय वैल्यू भेज दिया तो उससे क्या होगा, एक तो ये इसमें कोई चेंज नहीं है ना, और दूसरी बात है कि जब हम ग्रोएबल अरे में हम इसको इंसर्ट ग्रो करेंगे तो एक्चुअली हम पिछली मेमोरी को डिलीट करें, तो एक और भी बड़ा रखा होगा, वो क्या रखा होगा, हां क्योंकि इसके थ्रू हमने पहले इसको अंदर को डिलीट भी करना, हम ये नई मेमोरी बना कर कॉपी करने के फौरन बाद उसको डिलीट करेंगे, है ना, ऐसे करते ना ग्रोएबल अरे में डिलीट करना, मतलब डिलीट करना हमारी रिस्पांसिबिलिटी होती है, ठीक है ना, डिलीट करने से होगा, लेकिन ये वाला है इसके अंदर जो ये पड़ा हुआ था वो बेसिकली अभी भी वही पॉइंट कर रहा था, जो कि कौन सी मेमोरी बन जाएगी, एक डैंगलिंग मेमोरी, एक कैसी मेमोरी बन जाएगी जो कि अब आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है लेकिन पॉइंटर अभी भी वहां पॉइंट कर रहा है, तो ऐसे पॉइंटर क्या कहते हैं, डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं जी। नहीं देता, नहीं देता, ये कि लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर वही है जो कि जिस तरह से आपने प्लस करना था मैं माइनस कर दिया तो कंपाइलर नहीं पकड़ेगा, वो शो भी नहीं, वो नहीं शो, वो प्रोग्राम आपका क्रैश होगा, तो फिर आपको पकड़ना पड़ेगा, क्या मसला था। पॉइंटर्स में ज्यादातर सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपको एरर्स पकड़ने पड़ते हैं जो कि आपको आई मीन जो कि नजर नहीं आ रहा, लॉजिकली कंपाइलर पकड़ नहीं पा, तो आपको डीबग करके तस्वीरें बना के देखना, ठीक है। और हम ऐसी ऐसी टेक्निक्स पढ़ेंगे लूप के अंदर कि ये सारी चीज़ें जो हमें जो कि इसकी वजह से हो रही है वो हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे यूजिंग द पावर ऑफ, ठीक है। कई चीज़ें ऐसी होंगी जो कि हम मजबूर कर देंगे कंपाइलर को ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिकली करने से फायदा ये होगा कि ये चीज़ें जो कि एज ए मेमोरी लीक के तौर पे आ रही है वगैरह वगैरह, ये हमें जो खुद करनी पड़ रही है वो ऑटोमेटिकली करनी पड़ेगी, ठीक है। रियली रिमार्केबल इम्प्लीमेंटेशन यू विल गो टू, ओके। चलिए Insert at end, do you all agree कि ये by reference pass होना चाहिए? Okay? अब हमने करना क्या? करना ये है कि basically हमने यहाँ पर एक नई memory बनानी है। तो basically हम एक integer pointer बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे ही पर है। और शुरू करते हैं new int, हाँ जी, कितना बनाएं? Plus one. Size plus one. Obj dot size plus one. ठीक है? अच्छा आप एक बात सुने गौर से, ये अज्यूम कर रहा है, ये प्रोग्राम अज्यूम कर रहा है, ये ना, ये प्रोग्राम अज्यूम कर रहा है कि जो ओबीजे है वो इनिशियलाइज हो चुका है, ये बस नहीं, यानी क्या मतलब है, जब भी ऑब्जेक्ट बनाया होगा उसके फौरन बाद इसकी इनिशियलाइजेशन की होगी, क्योंकि अगर इनिशियलाइजेशन नहीं की होगी तो साइज में क्या वैल्यू पड़ेगी, क्या वैल्यू पड़ेगी, और ए में बीस में क्या वैल्यू पड़ी होगी, वो भी क्या वैल्यू पड़ी होगी, और अगले स्टेप पर वो डिलीट होने जा रहा है, तो अगर उसमें कोई गार्बेज एड्रेस था और डिलीट होने के लिए चला गया तो पता नहीं वो कौन सी मेमोरी जगह डिलीट है, तो इट विल गोइंग टू क्रैश, डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस। सो इसीलिए इट इज ऑल्सो अज्यूमिंग कि इनिट फंक्शन आपने हमेशा कॉल किया, ये बात समझ,
स्कूल में सबसे पहली चीज जो तुम सीखोगे अगली क्लास में वो आएगी कि ये काम जो आपको इन्हें कॉल करना पड़ा वो आपको कॉल नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली कॉल। ओके, ये बात समझ? एंड इट विल बी अ रिमार्केबल थिंग टू ऑब्जर्व। और हम देखेंगे कि उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उसका बकायदा नाम है, कहते हैं कंस्ट्रक्टर, और वो ऑटोमेटिकली कॉल। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से कंस्ट्रक्शन में ना कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इसी तरह एक और चीज भी होती है जिसके अपोजिट है, जिसे कहते हैं डिस्ट्रक्टर। और डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो तमाम चीजें जो कि जब भी स्कोप से आप बाहर जाने लगते हैं तो आप डिलीट करना अगर भूल भी जाए तो ऊप दे ऑटोमेटिकली वो कॉल होगी और वो डिस्ट्रक्शन। All these things you will going to learn in the next class.